ट्वेल्थ में आ गए ना, 4 साल सुनते खटते, बेटा मेडिकल कर लेना, इंजीनियरिंग करना जरूर। अरे हम लोग तो आईएएस करेंगे। अरे छोड़ना यार, बिजनेस करते चलो। अरे कौन सा बिजनेस, कहाँ से आएगा बिजनेस, पैसे कौन देगा टिंगा? लीजर का तो मतलब कॉन्सेप्ट खत्म। कभी जब मैं सोता था तो मेरे सर के नीचे एक प्यारा सा मुलायम तकिया था, अब मैं सोता हूँ तो मोटी किताबों के ऊपर। कभी मेरे वॉशरूम में एक नादान सा टॉयलेट रोल रहता था, जिसकी जगह अब एक टंगे हुए न्यूज़पेपर ने ले ली। क्यों? क्योंकि अब तो कॉलेज वालों को जीएस भी चाहिए। मेरे पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन इतने ऊंचे। कल मेरे पड़ोसी घर आए, उन्होंने कहा हमारे बेटे ने तो होम कैडर में आईपीएस निकाल लिया। मेरे पिताजी ने कहा वाह 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 बधाई वाह वाह वाह। अब तो आप राज करेंगे, लड्डू जरूर खिलाइएगा। जब वे गए तो मेरे पिताजी मुझे कहते हैं, और बरखुरदार तुम्हारा क्या इरादा है? तो मैंने कहा पिताजी मुझे तो फैशन डिजाइनिंग में जाना है। तो मेरे पिताजी कहते हैं, क्या फैशन, डूब जाओगे, यही सिखाइए तुम अपने बच्चे को, और जब डूबोगे तो मेरे पास कभी मत आना, जा जा जो करने को जा। लोग कहते हैं और लिखा भी हुआ है, तमसो मां जो तिरगम है, अंधकार से प्रकाश क्यों? अरे कौन सा प्रकाश, किसका प्रकाश, इस अंधकार ने तो मेरी खुद की परछाई तक छीन ली है। और फिर जलेबे पे नमक छिड़कने कौन आता है? रिजर्वेशन। ये जा वो जा, ये धन वो धन, इसको रिजर्वेशन, इसको ठेंगा। अरे मेरी गलती तो नहीं कि मैं अपने माँ बाप को पैदा हुआ, मैं किसे बदलूं, अपने आप को, अपने माँ बाप को बदलूं या समाज को ही बदल दूं? अरे तुम मुझे बताओ, जिंदगी अजीब है तेरे फलसफे। कभी कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, तो कभी कहते हैं वक्त कभी किसी के लिए नहीं ठहरता। अरे जब तेरे खुद के फलसफे क्लियर नहीं तो मेरे कहां से होंगे, कौन बताएगा मुझे? बहुत पूजा पाठ किया, बहुत फूल चढ़ा, 33 करोड़ देवी देवता, ईसा मसीह या मेरे खुदा, कोई तुम मुझे सही रास्ता दिखाओ, जल्दी करो, कहीं ऐसा ना हो कि वक्त निकल जाए और मैं भी निकल जाऊं। चलो यार।